वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट आई टी सोल्यूशन. मैं हूं आपका होस्ट है और आप देख रहे हैं बी योर ऑन बॉस का हमारा नया कोर्स. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी एडवाइसेज अगर आप फ्रीलांसर हैं, हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो 5 ऐसी एडवाइसेज जो कि हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा लाजमी है. तो सबसे पहली बात ये कि वी शुड ऑलवेज रीड पॉलिसी. हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, बकायदा वो अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, टॉपटल है, किसी भी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उनकी पॉलिसीज रीड करें, ताकि कल को अगर किसी क्लाइंट के साथ हमारा कोई मसले मसाइल हो जाते हैं और क्लाइंट हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है, तो अगर हमने पॉलिसीज रीड की हुई हैं तो हम कंप्लीट रूल्स भी फॉलो करेंगे. अगर हम रूल्स भी फॉलो करते हैं तो हम उसके खिलाफ भी वापस कंप्लेंट कर सकते हैं. तो हमें चाहिए कि हम हमेशा सबसे पहले पॉलिसीज को रीड कर लें, देन ही कोई नेक्स्ट स्टेप करें. द सेकेंड स्टेप ये है, वी शुड नेवर ओवर कॉन्फिडेंट डील्स विद द क्लाइंट. ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई काम आता भी नहीं है और हमने काम ले लिया. जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई वेब डेवलपर हैं और एसईओ का काम की पोस्ट, ऐसे तो कभी होता नहीं है कि इसी कैटेगरी में शो हो रही हो, लेकिन कभी कभार क्लाइंट्स जो है मिस्टेक्स कर जाते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि हमें दूसरी कैटेगरीज की भी पोस्ट जॉब पोस्ट शो हो रही होती हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हो भी रही हैं किसी वेबसाइट पर, तो हमें ऐसा नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो के हमें ये काम आता है हम ले लें, लेकिन बाद में हमसे हो ना. अगर नहीं होगा हम क्लाइंट को बोलेंगे कि हमसे नहीं हो रहा, हमारा इमेज ख़राब होगा तो वो हमारी रेटिंग्स भी ख़राब हो जाएंगी. पहली बात, क्लाइंट हमें दोबारा काम नहीं देगा. दूसरी बात, अगर वो हमें थोड़ी बहुत पेमेंट करके या कैंसिल करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो हमारे रिव्यूज़ वो ख़राब देगा. अब फाइवर पे ऐसा होता है, अगर चीज़ को कैंसिल करें तो रिव्यू मेंशन किया जाता है कि इसने कैंसिल क्यों किया. लेकिन अगर अपवर्क पर चले जाते हैं, अपवर्क पर ऐसा नहीं होता. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है तो वो वहीं से कैंसिल हो जाता है, कोई भी रिव्यू नहीं होता. लेकिन रिव्यू अपवर्क पर भी दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनसे हमारा सक्सेस रेट कैलकुलेट होता है, एक वो जो कि हमारे प्रोफाइल पर शो होते हैं जिन्हें स्टार रिव्यूज़ बोलते हैं. तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए. उसके बाद हमें अपने क्लाइंट को ये बता देना चाहिए कि हमारी डील के अंदर क्या क्या मेंशन है, स्टेप्स के साथ. जब हमारे साथ कंप्लीट डिस्कशन हो जाए क्लाइंट की, उसके बाद हमें स्टेप्स में बता देना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी इस डील में शामिल है. ये ना हो कि बाद में काम पूरा होने के बाद क्लाइंट हमसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें ये भी बोला था, तुमने ये नहीं किया, लेकिन हमें पता ही ना हो. क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मसले मसाइल आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें ये वाला बटन यहाँ नहीं बोला था, तुमने तो लगा दिया. देन हम उसको प्रूफ दे सकते हैं कि तुमने ये बोला था इसलिए मैंने लगाया, अगर तुमने ना बोला होता तो हमने ना लगाता मैं. और उसके बाद ये सारी लिस्ट बनाने के बाद, ये पूरा एल्गोरिथम बनाने के बाद, स्टेप्स बनाने के बाद, हमें भी पता लग जाता है कि हमने क्या क्या करना है, और हम प्रोफेशनली हम कंप्लीट काम जो है वो अपने कर लेते हैं. उसके बाद हमने अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इस काम का टाइम फ्रेम क्या है. अगर क्लाइंट ने हमें कहा है कि ये काम 2 दिन में करके दो, तो हम कोशिश करें कि सबसे पहले तो ये है कि क्लाइंट जब हमें काम दे रहा है तो उसमें हमें देखना चाहिए कि अगर वो हमें कह रहा है कि 1 दिन में करके दो, तो हमें चाहिए कि हम 2 दिन उससे लें. 2 दिन मतलब कि थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा लें अगर हमें लगता है कि ये काम इतना टाइम लेगा. उसके बाद हमारे दिमाग में रखना चाहिए कि हमें उसके काम के वर्किंग के टाइम ख़त्म होने से, उसके दिए हुए टाइम ख़त्म होने से पहले हम अपना काम मुकम्मल कर लें, ताकि उसको शिकायत का मौका ना मिले. ये बहुत ही आला इंप्रेशन डालता है. उसके बाद अगर उसने कोई चेंजेस करवानी है तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है. लेकिन हमने अपना काम फर्स्ट डिलीवर कर दिया है, ये एक बेस्ट है. उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमें सिर्फ वही उठाने चाहिए जो कि हम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम जो प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते, ओवर कॉन्फिडेंट हो के हम वो प्रोजेक्ट उठा लें, बाद में हमसे होना, उससे भी बहुत ज़्यादा हमारी रेटिंग्स ख़राब हो जाती हैं. तो इस वीडियो में हमने 5 ऐसी एडवाइसेस सीखी. अगर आप इन चीज़ों को कम्प्लीट फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट क्लाइंट डीलिंग में कोई मसले मसाइल आएंगे. अगर मसले मसाइल फॉर एग्जांपल आ भी जाते हैं, तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं. क्योंकि जो राइट्स बायर के होते हैं एज अ फ्रीलांसर वेबसाइट पर या उस सोर्स पर जिस पर आप काम करें, वही राइट्स जो हैं वो सेलर के भी होते हैं. लेकिन मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं, जो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, वो अपने बायर को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सेलर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते. जब तक कि हमारी रेटिंग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम कंप्लीट पॉलिसीज रीड करें कि कल को अगर कोई क्लाइंट हमारे खिलाफ बात करता भी है तो हमें प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े.
और हम कहें कि हमने तो कंप्लीट पॉलिसीज को फॉलो किया था, ये क्लाइंट ही नहीं कर रहा, बिकॉज ऐसा हमारे साथ होता है। और बाज़ अवकात ऐसा भी होता है कि वो वाला क्लाइंट भी फॉलो नहीं कर रहा होता, हम भी फॉलो नहीं कर रहे होते, तो उठा के हम दोनों को बाहर फेंक देते हैं, मतलब कि वो हमारे अकाउंट्स को डिसलाइन कर देते हैं, हमारे अकाउंट को ख़त्म कर देते हैं, अनपब्लिश कर देते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये शेयर करूंगा कि मैंने पॉलिसीज़ को रीड नहीं किया था तो मुझे क्या नुकसान उठाना पड़ा, और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा उसका। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।